आपने मेरे बहुत सारे YouTube इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो बहुत सारे देखे होंगे, मगर आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाते हैं और मुझे ये जानना था कि मेरी टीम को इन बर्ड्स के बारे में कितनी नॉलेज है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा और आप भी अपना नॉलेज को टेस्ट करना कि मैं अपने टीम मेंबर्स से एग्जॉटिक पैरट्स के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ सवाल होंगे ग्राफिकल, मतलब फोटो दिखा के, और कुछ होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मगर ये सारे सवाल होंगे एग्जॉटिक पैरट्स के रिलेटेड। तो आइए मैं मिलाता हूँ आपको मेरे दोनों टीम मेंबर से और उनसे मैं पूछता हूँ एग्जॉटिक पैरट्स के बारे में कुछ सवाल। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ मेरे दोनों टीम मेंबर से। एक टीम मेंबर जो है वो इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द लॉजिस्टिक्स, मतलब बर्ड लेके जाना, लेके आना, बर्ड की केयरिंग, हैंडलिंग। और दूसरा जो बंदा है वो बंदा है इज टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर सोशल मीडिया, जिसके अंदर यूट्यूब हो गया, उसकी फोटोग्राफी हो गई, वीडियो शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो आइए मैं मिलाता हूँ आपको दोनों से। इज शोएब एंड इज फैसल। तो शोएब, पिछले कितने साल से हैं और क्या कर रहे हैं? 2 साल से हूँ मैं। और साथ में मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप? बर्ड की ट्रेनिंग या डिलीवरी वगैरह सब कुछ मैं ही हैंडल करता हूँ। एंड आप शायद फैसल को शायद फर्स्ट टाइम आप देखे होंगे। फैसल इज टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर सोशल मीडिया इंक्लूडिंग वीडियो शूटिंग एंड एडिटिंग। मैं इनका यूट्यूब चैनल मतलब हैंडल करता हूँ, एडिटिंग, शूटिंग एंड जो फोटोग्राफी होती है वो सारी चीज़ें। और मुझे तकरीबन 1 साल होने आ गया ये सारी चीज़ें हैंडल करते हुए। तो मेरा ये मकसद था कि ये लोग पिछले 1 साल 1.5 साल से मेरे साथ थे और इनको बर्ड के बारे में कितनी नॉलेज है, मैं इनका एक नॉलेज टेस्ट करना चाहता था। क्वेश्चंस जो होंगे वो सिंपली होंगे, ज़्यादा वो नहीं होंगे, आप भी साथ साथ उनका आंसर करना। सबसे पहला जो मैंने इनके लिए रखा है, फोटोग्राफ देख के इनको बर्ड की स्पीसीज़ का नाम देना है। मैंने मेरे आईपैड पर लाया हुआ है, मगर आपकी स्क्रीन पर भी डाल दिया जाएगा, सो दैट साइमल्टेनियसली आप भी वो बर्ड को और आप भी वो सवाल जज कर सकें। तो पहला जो राउंड होगा उसके अंदर बर्ड्स की फोटो और क्लिप्स दिखाई जाएगी, इनको स्पीसीज का नाम जानना है। तो ये मेरे आईपैड पर है, अगर आपको मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा सो दैट साइमल्टेनियसली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बर्ड का नाम बताओ। ये है स्कारलेट मकार्डन। स्कारलेट अमेज़न, ऑरेंज विंग अमेज़न, ब्लू फ्रंटेड अमेज़न, मोलोकन ककाटो। तू ऐसा नहीं कि उसके बाद दे रहा है, तू अगर तेरे को पहले वाला हो तो पहले दे। मेजर मिचल क्यों ऐसा बोला तूने? मेजर कलर के वैसे इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? रेड फीमेल है, एक्लेक्टस है, वो नहीं है। ग्रीन विंग मकाओ। क्या ये? हाँ, ग्रीन विंग है, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। ये बता दो तो मान जाऊँ मैं। ब्लू आई ककाटू, गोफिन ककाटू। नहीं, उससे नज़दीक है। ये सारे मेरे वीडियो लोग बनाते हैं, देखते हैं, पर इनको पता नहीं, इसके नज़दीक ही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डी से स्टाम स्टार्ट होता है। डुकॉर्प ककाटू। डुकॉर्प ककाटू ये फैसल का फेवरेट है। अरे अब भी पैटागोनियन कॉर्नियर। पैटागोनियन कॉर्नियर, हम लोग नासिक के फार्म में गए थे तो एक पैटागोनियन कॉर्नियर फैसल के पीछे पड़ गया था। ये बता दो। ग्रिंचिक कॉर्नियर। सही। अरे यासीन आए, हाजिर दवा आया यासीन। हाँ तो ये 10 नाम थे, 10 में से ऑलमोस्ट मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि शोएब ज़्यादा बर्ड को हैंडल करता, तो मुझे यकीन था कि शोएब ज़्यादा हैंडल कर लेगा। वो नहीं आ रहा था, नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा था। ही आइडेंटिफाइज ऑल दी स्पीसीज, पर उसको जो स्पेसिफिक नाम होता ना, ग्रीन चिक कॉर्नियर, गाला ककाटू, वो समझ में नहीं आ रहा था। नंदलेस दूसरा मैं आप अभी जो इनसे पूछूंगा एक सवाल, उसके 4 इनके ऑप्शंस होंगे, इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा। अब आगे का जो सेगमेंट है, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा एग्जॉटिक बर्ड रिलेटेड और उसके 4 ऑप्शन दूंगा। अब 4 ऑप्शन सुनने के बाद ही जवाब देना, ठीक है? पहला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ पैरट कैन नॉट फ्लाई, ऐसा कौन सा पैरट है जो उड़ नहीं सकता? ऑप्शन है ब्लैक लॉरी, किया, ककापू या सेनेगल। ककापू। क्या? ककापू। कैसा मालूम था जवाब? ककापू के बारे में मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, कि वर्ल्ड का
इतनी ऐसी डिबेट हो रही थी कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पैरट कौन सा, हेवीएस्ट पैरट। अरे मेरी शॉट तुम नहीं एडिट की है यार, काकापू की। हाँ तो उस तरीके से मालूम है। चलो वेल डन, अच्छा दिया था, मेरे को उम्मीद थी शोएब से ज्यादा। व्हाट इज लार्जेस्ट पैरट स्पीसीज, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पैरट स्पीसीज कौन सी है? नंबर वन एक्लेक्टस, नंबर दो हयासिन, नंबर तीन अम्ब्रेला, नंबर चार अफ्रीकन ग्रे। हयासिन। क्या? हयासिन। हयासिन, ओके, ऑलरेडी फोटो देख चुका था और बहुत इजी सवाल है। नंबर तीन, विच कॉन्टिनेंट हैज मोस्ट पैरट स्पीसीज, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जैसे एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दुनिया में सबसे ज्यादा पैरट की स्पीसीज पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। आई थिंक फैसल और हम लोग एक दिन बात कर रहे थे इसी बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया। चलो ये तो शायद किसको भी नहीं मालूम होगा, हाउ मेनी टोटल स्पीसीज ऑफ पैरट्स आर देयर, दुनिया में सब पूरी टोटल पैरट स्पीसीज क्या है? 98, 193, 393 या 210? 393, ऑप्शन टू। 193। क्यों बोला 393 आपने? 393 देखा मैंने कहीं। अच्छा पढ़े हो क्या? मैंने कहीं देखा था। तो इट इज अ करेक्ट आंसर, 393 इज एक्चुअली होता है टोटल पैरट स्पीसीज वर्ल्ड में। अच्छा फॉर एग्जांपल एक पैरट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कौवे के ग्रुप को मर्डर बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, तो पैरट के एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? पॉड, फ्लांग्स, मर्डर या पेंडोमोनियन? फ्लांग्स। आई डोंट नो, स्पेलिंग देखना तुम लोगों, एक बार पढ़ लो, पॉड, फ्लांग्स, मर्डर और पेंडोमोनियन। फोर्थ वन। स्पेलिंग थोड़ी अच्छी लग रही है। एक्चुअली इसका आंसर पेंडोमोनियन है, पैरट के पूरे ग्रुप को पेंडोमोनियन कहा जाता है। और ये थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है, विच पैरट स्पीसीज हैज बीन नोन टू किल शीप, ऐसा कौन सा पैरट है जो शीप को क्या बोलते हैं हम लोग? भेड़। हिंदी में? हिंदी में बकरी के जैसे जो दिखता है, भेड़िया, अलग होता है भेड़। हाँ भेड़। एक ऐसा कौन सा पैरट है जो जाना जाता था भेड़ को मार चुका है उसने, भेड़ को पहले मार दिया है? हाँ ऑप्शन है, गाला, किया, ककापू या हयासिन? ककापू। गाला, किया। गाला, किया, ककापू या हयासिन? गाला तो पिंक वाला, कहाँ से मारेगा? ऑप्शन टू आई गेस। किया। किया। किया सही आंसर है, न्यूजीलैंड के पहाड़ों में अल्पाइन पे रहने वाला इकलौता पैरट है जो 1860-68 में मेन मतलब भेड़ को, शीप को मारता था। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ था, बट आज वो एक इंडिजिनस स्पीसीज की लिस्ट में है। चलो एकदम इजी सवाल, एक हाउ मेनी टोज डू पैरट्स है, पैरट्स की कितने टो होते हैं? 5, 4, 3, 2। नहीं, 4। पांच की बोला था, इंसान कैसे पकड़ता है ऐसा? चार। बहुत इजी आंसर था। अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वेयर आर पैरट्स टेज बर्ड्स मोस्टली लोकेटेड, जिस तरीके से हमें जबान से टेज पता चलता है, पैरट्स के टेज बर्ड्स कहाँ होते हैं? पाँव में, बैक ऑफ द थ्रोट यानी गले के पीछे, टंग में यानी जबान में, या रूफ ऑफ द माउथ? रूफ ऑफ द माउथ, ऑब्वियसली टंग में होना चाहिए। क्यों बोला तुमने रूफ ऑफ द माउथ? मतलब तुक्का मारा क्या ऐसा बोला? मैंने तुक्का मारा। तुक्का मारा और रूफ ऑफ द माउथ है, जबान में उनका टेस्ट बड्स ही होते हैं, उनके माउथ के ऊपर वाले हिस्से में उनके टेस्ट बड्स होते हैं। अच्छा व्हाट मेक्स पैरट्स यूनिक अमंग बर्ड्स, पैरट्स को दूसरे बर्ड्स से यूनिक कैसे बनता है? नंबर वन ये बात करते हैं, नंबर दो ये मल्टी कलर के होते हैं, नंबर तीन ये एक हाथ में खाना रख के दूसरे हाथ से खड़े होते हैं, या नंबर चार ये ह्यूमन के साथ रहते हैं? चारों ऑप्शन है। क्या बोला? नहीं नहीं, इनमें से एक अलग क्या बनाता है? एक टॉकिंग होते हैं। रिपीट कर सकते? हाँ सवाल गौर से सुनना। ऑप्शंस, पैरट को दूसरे बर्ड से अलग, पैरट अपने आप को दूसरे बर्ड से अलग कैसे होता है? क्या ये बात करते हैं इस वजह से? क्या ये मल्टी कलर के होते हैं? क्या ये अपना एक हाथ से खाना पकड़ के दूसरे हाथ से बैठ के खाते हैं? या नंबर तीन उनकी एबिलिटी ह्यूमन के साथ रहने की? ऑप्शन वन एंड टू में से मतलब ये बात करते हैं मल्टी कलर होते हैं, टॉकिंग और ह्यूमन के साथ। गलत, आप लोग सवाल नहीं समझ रहे,
पैरट वो दूसरे बर्ड से अलग कैसे होते? क्या दूसरे बर्ड टॉकिंग नहीं करते? करते तो अलग कैसे हुआ? दूसरे बर्ड भी करते, मल्टी कलर दूसरे बर्ड भी होते फीडिंग वाला। हाँ, पैरट इकलौता एक ऐसा बर्ड होता है जो एक टांग पे खड़ा होकर दूसरे टांग से फूड पकड़े खा सकता है, ये और कोई बर्ड नहीं करता। ये बहुत एकदम गंदा वायर तुम लोग ने सोचा है। चलो एकदम इजी, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लिविंग पैरट? दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला पैरट कौन सा? मकाओ है, लेकिन स्पीस नाम तो रहेगा। मैं पैरट पूछा था, मकाओ इज राइट। मकाओ कितना जीता है? 70-80 इयर्स। तुम खुद इतना लंबा जी के देखे किसके यूट्यूब देखते हैं आप चैनल? शेख तनवीर। हाँ, तो मोस्ट ऑब्वियसली मुझे लगा नहीं था, बट फैसल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शोएब इज ऑब्वियसली बर्ड हैंडलिंग करता है तो उसको सारी चीजें पता है, बट नॉनदलेस अच्छा एक सेशन था, ताकि मेरे को भी पता चले ये लोग भी बर्ड के बारे में कितना जानते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं जो इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता था, आप लोगों से पूछता था, आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करता था, मेरा मकसद आज वीडियो ये हल्का फुल्का बनाने का था, ये था कि मेरे साथ जो पिछले एक साल, डेढ़ साल, दो साल से लोग हैं, उनको पैरट्स के बारे में, एक्जॉटिक बर्ड्स के बारे में कितने नॉलेज है। सो साथ साथ में आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगला जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आस्क मी एनीथिंग। आपको अगर कोई भी सवाल मुझसे एक्जॉटिक पैरट से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट में आइए, हैशटैग शेख तनवीर का यूज़ करिए और अपना सवाल पूछिए। फॉर एग्जांपल हैशटैग शेख तनवीर फॉलोड बाय योर क्वेश्चंस, तो मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड जब तक कीप लविंग योर बर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।